नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो मैं कह रहा हूं बस, लेकिन पूरी दुनिया में चल क्या रहा है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, खासकर इंडिया में, कोलकाता में जो कुछ हुआ बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा दिल को हिला देने वाला। हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी ये सब चीज़ के पीछे है, जो उस साधारण सी लड़की ने जो ऑन ड्यूटी थी, अपना काम कर रही थी, फेस करी, उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। इसी एक नोट के साथ अब इस पॉइंट को हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इसके बारे में हम बात करने बैठेंगे तो एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि ज़रूर मैं बनाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ज़रा सोचिए, आप अपने किसी दोस्त के साथ किसी काम से अपने घर से बाहर निकले थे तो पूरी तरह से नॉर्मल थे, लेकिन लौटे तो आपका दिमागी संतुलन ही खराब हो गया। आपके साथ उसी जर्नी के दौरान एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना घट गई कि आप जिसको भी उस कहानी के बारे में बताएंगे कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा और सब आपसे ये कहेंगे कि ये तो पागल है, कुछ भी बोलता है। तो आपके ऊपर क्या बीतेगी दोस्तों, नहीं समझ पा रहे हैं ना? लेकिन मैं आज आपको एक कहानी बताता हूँ, एक सच्ची घटना की कहानी, जो अभी से सिर्फ 2 दिन पहले प्रियांशु और रवि नाम के 2 लड़कों के साथ घटी। 13 अगस्त की रात की बात है। खैर, हमको थोड़ा इनके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, तब कहानी डिटेल में समझ में आ पाएगी। तो प्रियांशु और रवि दोनों ही ना एक बिहार के छोटे से गाँव के रहने वाले साधारण से लड़के थे। पढ़ाई के चक्कर में ये लोग गया में शिफ्ट हुए थे। सिर्फ ये दोनों हॉस्टल में रहते थे, इनके परिवार में से कोई भी व्यक्ति गया में नहीं रहता था और बहुत सारी चीज़ें इनकी पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी थी जो इनको पटना से मिलती थी, चाहे किताबों की बात कह लो, चाहे किन्हीं दूसरी चीज़ों की बात कह लो, गया में कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती थी। तो इनके कॉलेज के बच्चे, इनके हॉस्टल के बच्चे पटना आना जाना करते रहते थे। ये लोगों ने किस्मत से अभी तक ऐसा पटना का दौरा नहीं मारे थे, लेकिन अभी से ठीक 2 दिन पहले इनको ज़रूरत आन पड़ी कि यार हमको ये बुक चाहिए। अभी तो एडमिशन हुआ इसी साल ये लोग कॉलेज में पहुँचे, तो अभी इनको अचानक से ज़रूरत आन पड़ी कि यार पटना जाना ही पड़ेगा, ये हमको बुक्स लेनी है। तो ठीक है, प्रियांशु ने रवि से बोला कि रवि तेरी बाइक से ही चल लेते हैं, कहाँ ऑटो बस ये सब का झंझट पाले यार, और ट्रेन का तो झंझट और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बढ़िया बाइक उठाते हैं और बाइक से चलते हैं, तू बाइक चला लेना आधे रास्ते मैं चला लूँगा तो सफ़र भी आसान हो जाएगा। रवि ने बोला बढ़िया बात है भाई, चल ऐसे ही चलते हैं। अब 13 अगस्त की बात आई। 13 अगस्त को शाम को लगभग ये लोग 5 बजे के आसपास गया से निकले, ठीक है, पटना पहुँचे, वहाँ पे अपनी ख़रीदारी किए, काम किए, और यहाँ पे हो गए इनको काफ़ी लेट नाइट। अब पटना के तो रहने वाले ये थे नहीं, अब अगर इनको पटना में रुकना था तो क्या करना पड़ता, ज़्यादा पैसे देकर होटल रेंट पे लेना पड़ता, और स्टूडेंट बच्चे कहाँ से इतने पैसे खर्च कर लेंगे बिना मतलब के होटल में रुकने के। तो इन्होंने काफ़ी रात गए डिसाइड किया कि हमारा जब काम पूरा पटना में हो ही चुका है तो हम गया वापस निकल जाते हैं, बाइक है, पेट्रोल है, और रास्ते में रुक के ढाबे में कुछ खा पी लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये लोग अपनी बाइक उठाए और निकल ही रहे थे कि थोड़ी आगे ही जाके एक ढाबा मिल गया, वहाँ पे बढ़िया खाना वाना खाए, फिर बाइक चलाने लगे। प्रियांशु पीछे बैठा है, रवि बाइक चला रहा है। थोड़ी आगे जाने के बाद रवि को नींद का झोंका आने लगा, थोड़ी गाड़ी लहरा गई। रवि ने बोला यार प्रियांशु नींद थोड़ी ज़्यादा आ रही यार, तू बाइक चला लेगा क्या? प्रियांशु ने बोला कि तू बाइक चला रहा था तो पीछे बैठे बैठे मैं भी ऐसा ऐसा कर रहा था, एक काम करते हैं थोड़ी आगे फिर से कोई ढाबा मिल जाए तो वहाँ पे बढ़िया कड़क चाय पी लेते हैं, एक चाय पीने से मस्त नींद उड़ जाएगी, और फिर देख लेना तुझे चलाना होगा तो तू चला लेना, मुझे चलाना होगा तो मैं चला लूँगा। अब हाईवे में तो ये लोग चल रहे हैं, हाईवे जैसी सड़क है। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों को एक ढाबा मिल ही गया, उस ढाबे में बढ़िया उतरे, बाइक लगाए हैं, मस्त से बिस्किट चाय खाए पिए हैं और इनकी नींद उड़ गई। अब पैसे वैसे देकर अपनी बाइक की तरफ लौट ही रहे थे कि ढाबे वाला जो कैशियर था वो इनसे कहता है,
अरे बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? मतलब बड़ी हैरानगी से उसने पूछा। तो ये बात जवाब देते हुए रवि ने कहा कि हम लोग तो गया जा रहे हैं, गया में ही रहते हैं, वहाँ पे हॉस्टल है हमारा, यहाँ पर कुछ किताबें लेने के लिए आए हुए थे पटना में, अब जाएंगे, बहुत थकान हो गई, आराम करेंगे। आदमी क्या कहता है कि मेरी मानो, आज रात यहीं पर रुक जाओ, हमारे पास ठहरने की सुविधा भी है, आपके जैसे कम उम्र के बच्चे कई रुकते रहते हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मेरा सजेशन ये है कि ये सड़क नॉर्मल नहीं है, कई सारी घटनाएं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर घट रही है, आप स्टे कर लो ना, बेटर रहेगा। ये दोनों बोलते हैं कि यार शायद ये आदमी, ढाबे वाला आदमी, ये बात इनसे इसलिए कह रहा है कि ये दोनों उसकी होटल में, होटल ही कह सकते हैं हम उसको, कि उसके होटल में रुक जाए, उसके पैसे बन जाए एक रात के। ये दोनों ने आपस में ऐसे धीरे धीरे बात किए और फिर प्रियांशु ने उस ढाबे वाले की बात को काटते हुए क्या कह दिया, अरे नहीं नहीं अंकल, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम पटना पहली बार आए हैं, बहुत आते जाते रहते हैं और हम दोनों ही बाइक चलाने में एक्सपर्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बहुत कम उम्र से बाइक चला रहे हैं, फटफट निकल जाएंगे। अंकल कहता है कि बच्चों देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो सीधे सीधे हाईवे से ही बढ़ना, थोड़ी आगे जाके हाईवे का बड़ा भयंकर वाला काम चल रहा है, हो सकता है वहाँ पे गाड़ी ठीक से तुम चला भी ना पाओ, लेकिन चलाना वहीं से, जाना वहीं से, बहुत गाड़ियाँ एक दूसरे वाले रास्ते से कट रही होगी, वो एक सिंगल वन वे रूट टाइप का है, उससे मत जाना, तुम्हारी भलाई इसी में होगी। इन दोनों ने सोचा कि ये बिना मतलब के ऐसी आँख फाड़ फाड़ के डरा रहा है कि हम लोग इसके होटल में रुक जाएं, इसका रूम ले लें, इसके पैसे बन जाए, हम तो अब चाहे जो हो जाए ना डरेंगे ना रुकेंगे। हाँ अंकल टेंशन नहीं, ऐसा बोल के पैसे कटवाए हैं और निकल पड़े अपने बाइक की तरफ। बाइक में सवार हो ही रहे थे कि रवि ने एक बार ऐसे ही प्रियांशु से पूछ लिया, प्रियांशु तुझे उस आदमी की बात में कुछ सच्चाई तो नहीं लगी ना, ऐसा तो नहीं है ना कि रुकना चाहिए अपन को? प्रियांशु कहता है, अरे नहीं यार, तू भी क्या कुछ भी बात पे विश्वास कर रहे हैं, कितनी गाड़ियां चलती रहती है, देख अभी भी गाड़ियां जा रही है, ऐसा कोई खतरा होता, कोई भूतिया कांड वहां पर पिछले कुछ दिनों से घट रहा होता तो चल हमको नहीं पता, इन लोगों को तो पता होता जो इतने सारे लोग जा रहे हैं उस तरफ। रवि भी कहता है, सही बात है यार, चलो चलते हैं। बाइक स्टार्ट की और निकल पड़े। थोड़ी आगे जाने के बाद सचमुच में इतनी गाड़ियां जो उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रही थी इनको अब कम समझ में आने लगी। थोड़ी और आगे गए तो लिटरली पूरा सड़क सुनसान हो गई पूरी तरीके से। ये कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था तो रोड भी उखड़ी हुई थी, उबड़ खाबड़ जैसे तैसे करके ये जा ही रहे थे। कुछ कुछ ट्रक्स यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन ट्रक तो ऐसे कि भाई बड़ी बड़ी चीज़ों को लोड करके जा रहे हैं, ना उनकी रफ्तार कम हो ना वो एक मिनट के लिए वहाँ पर रुकें भी, ये अपनी गाड़ी बार बार रोड वाली ट्रैक से नीचे उतारते हैं, फिर जैसे तैसे करके लेकर जाते। इनकी रफ्तार बहुत ही धीमी थी और जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला था, ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश पड़ जाएगी। ये लोग मन में प्रे किए जा रहे थे कि बारिश ना हो ना हो, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो गड़बड़ वाली बात है ना, रुकेंगे कहाँ, और ढाबे वाले ने इतना डरा भी जो दिया है। थोड़ी आगे जाने के बाद लिटरली अभी रोड खाली थी, स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत दूर दूर लगी हुई थी, टिमटिमाती हुई काफ़ी कम वोल्टेज की समझ में आ रही थी। अचानक से इनको एक लड़की दिखाई दी। सबसे पहले तो पीछे बैठे हुए प्रियांशु ने ही देखा, बड़ी खूबसूरत सी लड़की, लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है जैसे कि दुल्हन पहनती हो, लेकिन दुल्हन जैसी ज्वेलरी नहीं थी, लेकिन ये लड़की बला की खूबसूरत दिख रही थी। प्रियांशु ने देखा तो देखता ही रह गया, बाइक बहुत धीरे चल रही थी लिटरली, क्योंकि रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ वाला है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो देखते ही रह गया। और कुछ सेकंड बाद वो रवि से कहता है, रवि रवि देख वो लड़की इतनी रात गए ऐसे बीच हाईवे में क्या कर रही है, कौन होगी वो? तो रवि भी, गाड़ी तो स्लो थी, और पलट के देखता है तो भी देखता है, हाँ यार कौन लड़की है, छोड़ होगी कोई गांव की, अपने को क्या करना है, चल चल अपना आगे ध्यान दे और मुझे बताते रहे, कोई बड़ा बड़ा पत्थर तो नहीं आ रहा, साला वैसे ही मैं अपना चश्मा भूल गया हूँ, चश्मा लगा के आया होता, उसको पावर वाला चश्मा लगा हुआ था वो लेकर नहीं आया था, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पावर वाला था, नॉर्मल पावर वाला। तो इन दोनों ने इग्नोर कर दिए इन शॉर्ट, मतलब उस लड़की को, सोचे गाँव वाँव की होगी कोई, आसपास गाँव भी तो होंगे, अंदर अंदर हाईवे के बाहर आई होगी किसी वजह से, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही होगी। ये लोग निकल गए वहाँ से। थोड़ी आगे जाने के बाद वो लड़की फिर से दिखाई दी,
उसी वे में वैसे ही सड़क के किनारे खड़ी हुई थी और ना जाने उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। ये दोनों देख के उसे शौक रह गए कि यार ये वही लड़की है क्या जो पीछे दिखाई दी थी। एक सेकंड के लिए मन में आया, नहीं ये हमारा भ्रम हो सकता है, ये कोई और लड़की है, वो कोई और लड़की होगी, हो सकता है गाँव में किसी प्रकार की कोई पूजा होगी, कुछ चल रहा होगा जिसके चक्कर में लोगों ने सेम तरह के कपड़े पहने होंगे, शायद वो लोग अपने अपने घरों से बाहर आए हैं किसी वजह से और हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक ही इंसान है जो पीछे भी दिखाई दिया आगे भी दिखाई दे रहा है। इस बार इन दोनों ने इस लड़की के चेहरे को बहुत अच्छे से देखे क्योंकि ये भी बला की खूबसूरत थी। थोड़ी आगे गए, अब रोड थोड़ी ठीक हो चुकी थी। वो लड़की तीसरी बार इन्हें दिखाई दी, सेम उसी वे में किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए, जैसे कि मानो कोई चीज़ इसके लिए आएगी इसलिए ये लड़की वहाँ पर रुकी हुई है। और इस बार देखकर बहुत कंफर्म हो गए कि ये वही लड़की है जो पीछे दिखी थी, और हो ना हो ये वही लड़की है जो पीछे भी दिखी थी और उसके भी पीछे दिखी थी, मतलब ये वही लड़की हमें तीसरी बार दिखाई दे रही है। अब थोड़ी घबराहट हुई, ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात दोनों कर ही रहे थे कि इन लोगों ने नोटिस किए कि वो लड़की इन्हें देखकर एक वियर्ड से स्माइल करी। उस स्माइल से ये दोनों के शरीर में एक सेहरन से दौड़ गई और अचानक से रवि ने अपनी एक्सीलेटर को फुल कर दिया और जुम 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 करके वहाँ से आगे निकल गए। रोड थोड़ी ठीक हो चुकी थी, थोड़ी आगे जाने के बाद रोड और ठीक हो गई, लेकिन वही लड़की इनको चौथी बार दिखाई दी लेकिन बहुत अलग अंदाज में। वो लड़की के आधे चेहरे से खतरनाक तरीके से खून टपक रहा है और अब उसने साड़ी नहीं पहनी हुई है, उसने रेड कलर का ब्लाउज पहनी हुई है और रेड कलर का समझ लो, कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे जो सलवार होता है ना वो पहनी हुई है, और उसके हाथ में भी बहुत सारी चोट लगी हुई है एक ही साइड में। मतलब वो लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने कुछ मतलब गाड़ी वाड़ी से चढ़ा दिया इसके ऊपर गाड़ी वाड़ी। ये ऐसी हालत में वहाँ पर खड़ी हुई है और इन्हें देखकर हंस रही है। थोड़ी दूर से इन लोगों ने नोटिस कर लिए, बड़े हैरान हुए कि अगर इस लड़की को चोट लगी है तो ये हंस क्यों रही है। अरे वो सब तो बात की बात है, ये लड़की चौथी बार कैसे दिखाई दे रही है। पीछे से प्रियांशु ने रवि से कहा कि गारंटी बोल रहा हूँ भाई, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये कोई भूत है, ऐसे किस्से मैंने बहुत सुना हूँ। गाड़ी को फुल स्पीड में आगे निकाल, लड़की बीच में भी आ जाए ना तो गाड़ी मत रोकना, उसने सचमुच में एक्सीलेटर लिटरली पूरा फुल कर दिया। और थोड़ी आगे जाने के बाद वो लड़की कूद के रोड के बीच में आ गई और दोनों ने ही हेलमेट पहने हुए थे, किस्मत की बात थी, बहुत बुरी तरीके से टकरा है और स्लिप होके हेलमेट नहीं उतरा, बहुत टाइट पहने हुए थे, ये इन दोनों ने बहुत ही अच्छा किए। इस कहानी से आपको सबक मिल रहा है आगे, हाँ, कि हेलमेट पहन के ही अपनी बाइक स्कूटी चलाना चाहिए ताकि कुछ भी खतरनाक घटना घट जाए, कैसी भी घटना घटे हेलमेट आपकी जान बचा लेता है। ये गिर गए बहुत बुरी तरीके से, लेकिन ये इम्पैक्ट टक्कर का इतना खतरनाक था कि बेहोश हो गए। वापस से आँख खुली, ऐसे करके कोई इन्हें जगा रहा था। आँख खोल के देखे तो एक ट्रक ड्राइवर और एक उसका अटेंडेंट था। कहानी ख़त्म नहीं हुई है, आगे अभी और कुछ बाकी है, कुछ बहुत खौफनाक बाकी है, बने रहो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। तो इन दोनों ने देखे कि एक ट्रक ड्राइवर और एक अटेंडेंट इन दोनों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों जागे, ट्रक ड्राइवर कहता है कि अरे बच्चों तुम ऐसे कैसे पड़े हो, ठीक तो हो ना, सेंसेस में तो हो अपने। ये दोनों बोलते हाँ हम ठीक हैं, लेकिन दोनों के कोहनी बहुत बुरी, कोहनी मतलब ये एल्बो बहुत बुरी तरीके से छिल चुकी थी, खून आ रहा था। बोले हाँ लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। ट्रक ड्राइवर ने बोला कि एक काम करो, तुम्हारी बाइक को मैं अपने ट्रक में रख लेता हूँ, तुम भी ट्रक में बैठ जाओ, थोड़ी आगे एक अस्पताल है, मैं तुमको अस्पताल में उतार देता हूँ, बेहतर रहेगा, वहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, अच्छा रहेगा, वरना बहुत खून निकल गया, देखो पूरा रोड में भी लग गया। ये दोनों ने बोले हाँ अंकल प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको पैसे चाहिए तो हम आपको दे देंगे। अंकल ने बोला कोई बात नहीं, बाइक को ट्रक में चढ़ा दिया, ये दोनों को ट्रक में बैठा दिया। थोड़ी आगे जाने के बाद एक हॉस्पिटल भी दिखाई दे दिया। हॉस्पिटल के सामने इसने ट्रक रोक दिया, वो दोनों उतर रहे थे, आदमी ने बाइक भी ट्रक से उतार दिया और बोला कि चलो तुम्हारा ट्रीटमेंट करा देता हूँ।
तो ये दोनों ने बोले कि नहीं अंकल, हम थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, आप जिस किसी भी काम से जा रहे हो आप चले जाओ, हम करवा लेंगे अपना ट्रीटमेंट, हम चल फिर तो सक रहे हैं, हाथ में ही तो प्रॉब्लम है। अंकल ने बोला ठीक है बच्चों, मैं जाता हूँ। अब आगे सुनो, ये दोनों अपनी बाइक साइड में लगा दिया हॉस्पिटल के सामने और अंदर जाने लगे हॉस्पिटल के। जब पूरा अंदर गए तो क्या देखे, साला हॉस्पिटल के रिसेप्शन में कोई है नहीं। रिसेप्शन मतलब समझते हो ना, अंदर एंटर करते से रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं, कोई है नहीं। इन दोनों ने देखने की कोशिश की कि कोई तो दिखाई दे दे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई मरीज ना ही कोई डॉक्टर। दो चार टिमटिमाती हुई लाइट, अंदर से टिपिकल हॉस्पिटल वाली स्मेल आ रही है, और जैसे मानो ना जाने कितने दिनों से ये हॉस्पिटल साफ नहीं हुआ है। ये दोनों सोच ही रहे थे कि शायद हॉस्पिटल में कोई नहीं है, हमें अब अपनी बाइक उठा के यहाँ से निकलना चाहिए और अब डायरेक्टली गया जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, थोड़ा कुछ कपड़ा वपड़ा फाड़ के बांध लेते हैं। लेकिन अंदर से आवाज़ आई किसी लड़की की, अरे तुम लोग जा क्यों रहे हो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, चोट लग गई है क्या, आ जाओ अंदर, ठीक कर दूंगी मैं। ये दोनों ने सोचे कि एक मिनट, ये कौन है यार, इसको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो रवि बोलता है हो सकता है प्रियांशु CCTV हो, अंदर कोई बैठा हो और देख लिया हो हमको, वैसे भी यहाँ पर अंधेरा बहुत है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि CCTV कैमरा लगा कहाँ पर है, छोड़ना चलते हैं अंदर। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी ये दोनों उस तरफ बढ़ गए, वहाँ पे एक कमरा था, ये दोनों उस कमरे के अंदर गए। उस कमरे के अंदर भी टिमटिमाती हुई सी लाइट और कोई दिखाई नहीं दिया। इस कमरे के अंदर से और भी ज़्यादा टिपिकल वो दवाइयों वाली स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्मेल। ये स्मेल इतनी ओवर थी कि सर पे चढ़ने लगी थी, दोनों ने अपने नाक ऐसे दबा लिए। ये दोनों जैसे अपने नाक वाक दबाए और वापस से देखने की कोशिश किए हैं कि कोई दिखाई क्यों नहीं देख रहा है, अभी तो आवाज़ आ रही थी यहाँ से, कि इनको बाथरूम से, उसी कमरे में एक बाथरूम था एंड में, वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कौन रो रहा है हॉस्पिटल में, ऐसा कौन रो रहा है, इनका दिमाग खराब हुआ। तो सबसे पहले रवि ही आके गया, रवि ने बोला प्रियांशु तू रुक, मैं देखता हूँ, अभी तो आवाज़ आई थी अंदर से कि आ जाओ अंदर, तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देती हूँ। अब रो कौन रहा है, ये कोई लड़की ही रो रही थी। ये उस बाथरूम तरफ बढ़ाई, बाथरूम का दरवाज़ा बस ऐसा चिपका हुआ था, उसने जैसे ही खोला अंदर देख के लिटरली ऐसा जम गया, अंदर का नज़ारा देखते रह गया, मुंह खुला का खुला, सिर्फ हाथ कांप रहा है, एक हाथ कांप रहा है और एक हाथ दरवाजे में, मानो कि स्टैचू बन गया। अब उधर से प्रियांशु सोच रहा है कि रवि को क्या हो गया, रवि रवि ठीक तो है ना तू, ऐसा क्या जम गया है भाई, ऐसा क्या देख लिया, भूत भूत देख लिया है क्या, रुक आ रहा हूँ तू रुक वहीं पे। थोड़ा सोचते सोचते अपना प्रियांशु भी आगे गया और जैसे रवि के बाजू में जाकर खड़ा हुआ है, अंदर देखा है, उसके तो पैरों तले लिटरली जमीन ऐसी रहती ना, ऐसे घच से खिसक गई और ये वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। इसने देखा कि अंदर ये दोनों ही, समझे प्रियांशु क्या देख रहा है, कि अंदर बाथरूम के अंदर यही दोनों रवि और प्रियांशु उधड़े हुए शरीर के साथ पड़े हुए हैं और ढेर सारी मक्खियां उन पर भिनभिना रही है, लिटरली मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। रवि और प्रियांशु ने अपने आप को उस बाथरूम में इस अवस्था में देखे और जैसे प्रियांशु बेहोश हुआ, रवि भी खुद को संभाल नहीं सका और रवि भी डर के मारे, आप खुद देख लो ऐसी सिचुएशन किसी के भी साथ क्रिएट होना, कोई कितना ही बड़ा शेर हो बेहोश हो जाएगा डर के मारे, कई लोगों का तो फेल ही हो जाएगा हार्ट, लेकिन ये तो बेहोश ही हुए, बेहोश हो गए दोनों बेहोश। अब कुछ मिनटों बाद इनके मुंह पे बारिश गिरी, आँख खोले, शिट ये तो वहीं पड़े हुए हैं जहाँ पर शायद उस चुड़ैल से टक्कर हुई थी, बाइक भी वैसे ही पड़ी हुई है, कोहनी भी वैसे ही छिली हुई है, ना कोई ट्रक वाला है, ना कोई ट्रक का असिस्टेंट, ना ही कोई ट्रक, ना ही कोई हॉस्पिटल, ना ही इन दोनों का उधड़ा हुआ शरीर। ये दोनों लिटरली उसी पॉइंट पर गिरे हुए हैं जहाँ पर ये लोग उस चुड़ैल से ठुके थे। दिमाग खराब हो गया, दोनों ही घबरा कर, मतलब लगभग एक साथ ही आंख खुली, दोनों ही घबरा कर फटाफट अपनी बाइक उठाए और ऐसी भगाएं कि समय से पहले गया पहुंच गए, अपने हॉस्टल रूम में जाके मुंह हाथ धोए नहाए हैं और एक दूसरे का मुंह देखते रह गए।
और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किए, लगातार बजरंग बाण का पाठ किए। लिटरली जब प्रॉपर सुबह हो गई तब इन लोगों ने बात की कि क्या हुआ भाई हमारे साथ। वो समझ में नहीं आया वो रोड थी या कोई भ्रम जाल, क्या था वो, कैसे हो सकता है। आज तक 4 दिन हो गए इनको जवाब नहीं मिल पाया है। बहुत सारे लोगों से इस बारे में इन लोगों ने डिस्कस किए, जो सुनता यही बोलता कि तुम पागल हो चुके हो या फिर हमको पागल बना रहे हो साले। हाँ, लेकिन ये जो हुआ है उनके साथ हुआ है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि प्रियांशु ने खुद लिख कर भेजा। अब आप लोग बोलेंगे भाई इंस्टाग्राम में तो हम भी कहानी लिख कर भेजते हैं, आप देखते नहीं हो। अगर मैं इंस्टाग्राम में ना देख पाऊँ कहानी तो मुझे मेल करो। अब ये मत पूछना कि मेरी मेल आईडी कहाँ पर मिलेगी। इंस्टाग्राम में भी कॉन्टैक्ट में डाल के रखा हूँ और मेरे यूट्यूब का जो प्रॉपर चैनल पेज है उसमें भी मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर देखना फॉर बिजनेस इंक्वायरी में नीचे मैंने अपना मेल आईडी डाला हुआ, वहाँ पे मेल करो मुझे कहानी। मैं पढ़ूंगा और पूरी दुनिया को सुनाऊंगा, मनोरंजन दूंगा, आपका नाम लूंगा, शाउट आउट दूंगा और सीख दूंगा, है कि नहीं। बस कितना बोलूं आज के वीडियो में, कल के लिए भी तो कुछ छोड़ता हूं। अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।